जगत के सभी जीवों को सुख और शांति प्राप्त हो। जगत के सभी जीवों को सुख और शांति प्राप्त हो। जगत के सभी जीवों को समाधान प्राप्त हो। जगत के सभी जीवों को समाधान प्राप्त हो। जगत के सभी जीवों को मुक्ति प्राप्त हो। जगत के सभी जीवों को मुक्ति प्राप्त हो। जगत कल्याण 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 हो। निज स्वभाव से सद्गुरु
ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में जीवन का मतलब होता है फ्रीडम, क्या होती है फ्रीडम, मुक्तता है और जीवन, और जहाँ मुक्तता है ही नहीं वो जीवन नहीं है, वो मरण है। क्या है? बिफोर वी बॉर्न इन दिस यूनिवर्स स्क्रिप्ट ऑफ अवर लाइफ इज डिसाइडेड, हमारे जीवन की पूरी स्क्रिप्ट पैदा होने से पहले ही लिखी गई है। हमको क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। और वो भी हम करते हैं, कौन करते हैं? हम, और कोई नहीं करता है। स्क्रिप्ट लिखने वाले हम ही हैं और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक सर्कमस्टेंसेस देना है, वो नेचर का काम है। इसका नाम है नेचर। नेचर विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ सब सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग, सब कुछ वो देते हैं, मगर हमको स्क्रिप्ट है वो समझ में नहीं आता। हमको क्या सोचना है वो भी डिसाइडेड है, हमको क्या बोलना है वो भी डिसाइडेड है, और हमको क्या एक्ट करना है वो भी डिसाइडेड है। हम इस दुनिया में सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और प्ले करने के समय भी थॉट, स्पीच और एक्शन में फ्रीडम नहीं। तो ये लाइफ को ज्ञानी पुरुष लाइफ नहीं बोलते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन को बता दिया गया है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक आपको बोलना है, आपको एक्ट करना है, क्या वो अमिताभ बच्चन का लाइफ हो सकता है? वो तो स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा करता है, उनके लिए इसको पगार मिलता है, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक उसका जीवन नहीं है, समझे? तो ये जीवन को ज्ञानी पुरुष ने जीवन नहीं बताया, ये मृत्यु है, वो हर समय खत्म हो रहा है, चाहे हम जागे चाहे सो जाए, चाहे हम भान में हैं चाहे बेभान में, मगर हमारा जीवन क्या होगा? खत्म हो रहा है। समझ आए? हमारा जीवन क्या होगा? बहुत सुन। तो जीवन कहाँ है? Where is our life? कहाँ हमारा जीवन है? जहाँ हमारी फ्रीडम है। ये जीवन कैसे बना? पिछले अवतार में हमने जो कुछ भी स्क्रिप्ट भाव से लिखा, कैसे लिखा? भाव से लिखा। वो भाव का मतलब होता है एग्जाम। क्या हो गया? एग्जाम। वो मरने के बाद एग्जाम, पूरा पेपर कहाँ चला गया? एग्जामिनर के पास। तो वो एग्जामिनर के पास चला गया, वो नेचर है, वो कुदरत है, और कुदरत वो एग्जाम के मुताबिक आपको रिजल्ट के लिए सर्कमस्टेंसेस देती है। हम अपने माता पिता को सिलेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं? हम अपने भाई बहन को सिलेक्ट, हम रहने की जमीन धरती को भी सिलेक्ट, हम अपने धर्म को भी सिलेक्ट, क्योंकि आपके जो स्क्रिप्ट लिखा है ना उसके मुताबिक नेचर विल हेल्प यू। हमारी चॉइस नहीं, जो भी स्क्रिप्ट हमने लिखा। समझ में आया? तो ये लाइफ नहीं है। तो जो मुक्त पुरुष होते हैं ये मन वचन काया के आधार से जीते हैं नहीं। समझ में आया? स्वामी जी अपनी मर्जी से न आते हैं न जाते हैं, फिर चिंता ही बेकार है। चिंता करते हैं वो ही तो अज्ञानता है और वो अहंकार है। पहले अज्ञानता और बाद में अहंकार, मैं नहीं होता क्या होगा। इतने सारे महापुरुष चले गए, दुनिया चलती है, मगर आज भी सबको अहंकार है, मैं नहीं होगा तो क्या होगा। देखो ही सर, आप समझे, ये दुनिया में जन्म लेना, जीवन जीना और मृत्यु, ये सब कुदरती क्रम है। क्या है उसमें किसी को ऑप्शन नहीं है,
है कि किसी का मृत्यु नहीं ऐसा है, निश्चित है, सिर्फ समय की बात है। क्या है? मगर मृत्यु तो मृत्यु प्रयास नहीं है, परिणाम है। जैसे जन्म भी परिणाम है, वैसे मृत्यु भी परिणाम है। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो भी परिणाम ही है। मगर हमको लगता है कि हम प्रयास से कुछ कर सके, ऐसा लगता है। एवरीवन, सबको लगता है ऐसा, मगर ऐसा है नहीं। और ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ, इसीलिए टेंशन है। जब कर ही नहीं सकते, आप अपनी नई स्क्रिप्ट लिख सकते हो भाव से। किससे? भाव से। जैसा भाव वैसा बहु, जैसी मति वैसी गति, जैसी स्पीच वैसी गति लिखा है, जैसी एक्शन वैसी गति लिखा है, जैसी मति वैसी गति। तो जो भाव है, जो भाव अपने इंटेंशन से बनते हैं, कैसे? इंटेंशन से। वो हमारी नई स्क्रिप्ट है फॉर द नेक्स्ट बर्थ, फॉर द नेक्स्ट। मगर ये स्क्रिप्ट लिखते हैं तब, जहां तक श्वास चलती है वहां तक कभी भी करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं। आप समझे? एनी टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में लिख दिया आपने, तो आधा घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं, और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। मगर 3 घंटा खत्म हो गया, अभी आंसर पेपर चला गया एग्जामिनर के पास, उसके बाद आपको मालूम हुआ कि ये तो मैंने गलत लिखा है, वास्तव में ये सही है, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, बड़े रिजल्ट नहीं आया, फिर भी क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम ऐसे। हमने पिछले अवतार में जो एग्जाम दिया था वो आंसर पेपर किसके पास गया? कुदरत के पास। अभी आप इस वर्ष में अपनी बुद्धि चालाकी होशियारी से कुछ भी परिवर्तन करना चाहे, हो सकता है? नहीं हो सकता। स्वामी जी, ये अंत में गति, अंत में जैसी मति होती है, कहते हैं वैसी ही गति होती है, तो अंत में अच्छी मति हो इसके लिए थोड़ा सा कुछ। अंत का मतलब होता है कोई भी चीज अंत में होती है, वो अंत में नहीं होती है, अंत में होती है ऐसा लगता है। इसे मैं आपको बताऊं, हम सब बैलेंस शीट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? एज ऑन एज ऑन 31st March, ठीक है, एज ऑन 31st March ये प्रॉफिट है। वही दिन का है कि पूरे साल का है? पूरे साल का। हम सकते हैं तो वो पूरे साल का है, पूरे जीवन का एब्स्ट्रैक्ट है, वो एंड में आता है। एंड में आप कुछ कर नहीं सकते, वही तो साल निकलता है जीवन का। आप समझे? अंतिम साल, अंतिम साल। आपने जो कुछ भी एग्जाम दिया है, अच्छा, उसका सार वो अपने आप सामने आ जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो तो आएगा ही, क्योंकि आपने ही वो लिखी है और आपने ही अपने अनुभव से लिखी है, अपनी भावनाओं से लिखी है, तो वो तो सामने आएगी। करेक्शन के लिए कहा है ना आपने, करेक्शन तो कर सकते हैं कभी भी, जहां तक स्वास्थ्य चलता है वहां तक कभी भी कर सकते हैं। लास्ट आधा घंटा का आपने तो ऐसे ही उम्र का हिसाब, कोई भी बचपन में किया हुआ गलती युवा में भी करेक्शन कर सकते हैं, बुढ़ापा में भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम में कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम दे रहे हो तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल टाइम तो होता नहीं है। आप जब एग्जाम दे ही रहे नए अवतार की, तो आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। याद नहीं आए तो इसके लिए, याद नहीं आए तो नहीं आए तो क्या, फिर वही का वही। इसके लिए सबसे बड़ा शत्रु, इसके लिए सबसे बड़ा शत्रु प्रतिक्रमण हुआ है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि आपकी जो गलती हो गई है लिखने में, इसको मोड़ दो। क्या कर दो? कभी ऐसा मैंने ऐसे संयोग में ऐसे भाव हो गए थे, मगर ये भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सोच नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक इस जिंदगी का, इस जिंदगी में हो सकता है,
इस जिंदगी का भाव का करेक्शन हो सकता है, भाव का एक्शन का नहीं। एक्शन तो खुद ही परिणाम है, भाव का बहुत खुद परिणाम है, खुद ही परिणाम है, खुद परिणाम है। परिणाम में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। राम को वनवास जाना है तो जाना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान राम जब सीता जी देखती है सुवर्णम रूप तो कहती है आप उसको लेने के लिए जाओ, तो उसको जाना ही पड़ता है। तो स्वामी जी ज्ञान मिलने से पहले जो अज्ञानी भाव में थे हम, वो कर सकते हैं, उसको तो हम सही कर सकते हैं। भाव का ज्ञान था, मैं हमने भाव जो भरे हैं उसको कहीं से लाया हमारी तरफ से, ऐसा हम बोल सकते हैं। कभी भी, हाँ कभी भी कर सकते हैं। परिणाम तो आएगा, नहीं आएगा, करेक्शन करोगे तो करेक्शन के मुताबिक आएगा। वह कोई भी व्यक्ति जिस समय भाव करते हैं उस समय उनका जो इंटेंशन होता है, उस समय उसकी जो स्ट्रेंथ होती है भाव की, अगर ऐसी ही स्ट्रेंथ उनको इरेज करने में रही तो वो नील हो जाएगा, मगर कम हुई तो इतना पेंडिंग रहेगा। मैं कहने आपकी जो भुगतान वो लाइट हो जाएंगे, आप समझे? बहुत बड़ी बात, बिल्कुल साइंस है ये, क्या है ये थियरी नहीं है। जैसे भूल गए कोई भाव किया हो बचपन से और भूल गए हो तो उसको याद करने का क्या कुछ कैसा कोई होगा? याद, देखो याद करना वो तरीका नहीं है जी। अपने आप शांत चित्त से समय मिले तो बैठो जी, और गलती हो दिखे तो अच्छी बात है जी, नहीं तो प्रेजेंट में जो गलतियाँ होती है प्रेजेंट उसमें भाव को मोड़ दो। यही भगवान मेरे मन में अभी ऐसे विचार आते हैं या ऐसी मेरी भाषा है या ऐसा मेरा बर्तन है तो वो बर्तन मोक्ष के लिए लायक और सहायक नहीं है, इसीलिए मेरी सोच मेरी भाषा या मेरा बर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन नहीं करोगे तो कर्म की भुगतान नहीं आएगी, बहुत अच्छी बात है। साइन सिग्नेचर ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप खुद बैंक में जाओगे चेक लिखोगे सेल्फ डेट लिखोगे अमाउंट लिखोगे शब्दों में आंकड़ों में, साइन नहीं करोगे वो पास नहीं करेगा। बोला मैं खुद हूँ, देखो मेरी आईडी मेरा नाम है, तो बोला नहीं साइन करो। जैसे हम आप खुद बीपी कह रही है, जैसे हमको स्वामी जी 70 साल में ज्ञान हुआ, जब हमारी 70 साल की उम्र है तब हमको ज्ञान हुआ, तो 70 साल तक हमने अज्ञानता के भाव अज्ञानता में रहकर भाव बने, अब उसको हम रिजेक्ट कर दें अपनी तरफ से बोल बोल करके, अब जो भी अज्ञानता हमने भाव बने उसको रिजेक्ट किया जाए, हमारा एक मोक्ष का गोल है बस वो कायम रहे, ऐसा हम बार बार निरंतर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो इसका परिणाम आएगा? क्यों नहीं आएगा, 70 साल ही लगेंगे। आखिर हम उसको निकालने के लिए अपने जीवन बनाने के लिए ये क्या कह रहे हैं? अपने जीवन बनाने के लिए ये कह रहे हैं तुमने 70 साल लगाए ना, तो 70 साल ही बोलना पड़ेगा। ऐसा बोल 70 साल तक आपने पैदा किया, देखो एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति देखो बनाने में तो 70 साल लग जाते मकान में और मिटाने में एक सेकंड एक मिनट देखो एक व्यक्ति ने 3 घंटा लिखा पत्र लिखा जी, और पत्र में जो व्यक्ति को पत्र लिखा उसके लिए बहुत गाली गालियां लिखी, खराब बातें लिखी, सुन ली न बोलने का उन्होंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, खूब लिखा 3 घंटे तक फिर लास्ट में लिखा कि ये जो कुछ मैंने लिखा है बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड से लिखा है, क्या बताया? अनकॉन्शियस नहीं था, तो आप इसको काउंट मत करना। क्या कहा? काउंट मत करना, उसकी वैल्यू मत करना मैंने क्या लिखा है, मगर वो लास्ट में आ जाए, पहले तो पूरा पढ़ लेगा, पढ़ लेगा तो तुम ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर लास्ट में आएगा, मगर वो समझेगा है कि अभी जब मैंने खुद ने लिखा है कि आई एम नॉट कॉन्शियस, तो फिर क्या करेंगे? तो स्वामी जी लिखने में 3 घंटा लगा और उसे एक शब्द लिखने में 1 सेकंड लगा, तो बात वही होता है, मिटाने में देर नहीं लगती। देखो संबंधों को बनाने में बहुत साल लगते हैं और मिटाने में एक क्षण भी लग सकती है, ये बहुत अच्छा कोई भी बात है,
ये जीवन बनाने में बहुत साथ लगती है और मिटाने में सिर्फ क्या लगती है, जला दिया गया, खत्म, लाइफ इज फिनिश, रिलेशन फिनिश, आपके मिलकर सबन सब फिनिश, उसमें टाइम। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो एक घंटे में विद इन वन आवर आपके सभी जो कर्म है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के जो मोहनीय कर्म के आधार पर खड़े हैं, और मोहनीय कर्म भी अज्ञानता के आधार पर खड़ा है, रूट बहुत अज्ञानता है, वो सभी कर्मों कहीं अवतार होते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण एक अवतार के नहीं है, हजारों अवतार, मगर वो एक घंटे में मिटा सकते हैं। एक घंटे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, ये मनोवचन का, ये मनोवचन काया की भुगतान है, मनोवचन काया की भुगतान, उसको नहीं मिटा सकते। कितने सदियों का काम एक घंटे में, क्या बताया, मनोवचन काया की भुगतान को नहीं मिटा सकते, मगर जिसे कर्म बनता है वो बेज को मिटा सकते हैं। वो खाए कितने अवतारों का क्यों है, क्योंकि उसका बेज क्या था, अज्ञानता, अज्ञानता से मोह थे और मोह से राग, तो वो अज्ञान मिट गया, क्या मिट गया, अज्ञान समझ गया, तो मोह मिट गया, तो राग मिट गया, तो सभी प्रकार की जो अज्ञानता अंदर पड़ी है स्टॉक में, जिसे कर्म चार्ज होते हैं, वो खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो खत्म करने के लिए ज्ञानी पुरुष हमको दृष्टि देते हैं, क्या देते हैं, दृष्टि, कि भी जैसे मैं ही चंदुलाल हूं, क्या बताया, मैं ही चंदुलाल, और चंदुलाल को चलाने वाला भी मैं हूं, वहां तक तो आप जिम्मेदार है ही, हर एक्शन के लिए, एक्शन के लिए, स्पीच के लिए, थॉट के लिए जिम्मेदार है ही, मगर जब ज्ञानी पुरुष दृष्टि परिवर्तन करते हैं और करते हैं, तुम चंदुलाल नहीं हो, चंदुलाल तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, भुगतान का साधन है, क्या है, भुगतान का साधन है, और आप उनसे क्या हो, चंदुलाल को जला दिया जाएगा, स्वार्थ बंद हो जाएगा, क्या आप जल जाओगे, अगर आप जलोगे तो रिपोर्ट किसका होगा, इसीलिए आप चंदुलाल नहीं हो और चंदुलाल को चलाने वाले भी नहीं, आप इनसे मुक्त ऐसे सुधार, मगर अज्ञानता के बस इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया और शरीर को चलाने का ही अपना कर्तव्य मान लिया, बस ये दो अज्ञानता थी, वो ज्ञानी पुरुष ने मिटा दिया, तो शरीर नहीं, वो शरीर से अलग ऐसे शुद्धात्मा हो, और ये मनोवचन काया जो है वो कर्मों की भुगतान का साधन है, शरीर विनाशी है, तुम अविनाशी हो, शरीर कर्म सत्ता से चलता है और तुम अपने स्वभाव से चलते हो, विनाशी अविनाशी दोनों एक नहीं है, नहीं है। वो भी नहीं सकते, स्वामी जब हमको ज्ञान मिला तो हमारा दर्शन आवरण और ज्ञान आवरण पहले निकला, कुछ हद तक 100% बाकी तो पुरुषार्थ देते, ज्ञानी पुरुष मेथड दे देते हैं, ज्ञानी विजन दे देते हैं, निकालने की प्रक्रिया में बैठा देते हैं, तो दर्शन आवरण का मतलब क्या, दर्शन आवरण का मतलब होता है और ज्ञान आवरण का मतलब होता है, दोनों का सिंपल भाषा में समझ, मैं कौन हूँ उसका सही ज्ञान इसको ज्ञान कहते हैं, उसका गलत ज्ञान इसको अज्ञान कहते हैं, तो अज्ञान आवरण दर्शन आवरण, ये बताऊंगा पहले अज्ञान की बात करूँ, बाद में ज्ञान दर्शन की बात करूँ, तो ये आवरण पहला है, ज्ञान और ज्ञान का आवरण, मैं कौन हूँ नहीं जानता, वो ज्ञान आवरण है, मैं हूँ मगर जानता नहीं, उसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान आवरण, अभी दर्शन आवरण, दर्शन और आवरण, दर्शन किसको कहेंगे, यानी ये जो मनोवचन काया है वो कैसे चलती है, मैं चलाता हूँ, कुदरत चलाते हैं, ये संयोग चलाते हैं, कौन चलाते हैं, तो इसका आवरण वो दर्शन आवरण है, तो ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया, तो दर्शन आवरण का मतलब होता है
ये मन के काया सहित पूरी दुनिया को कौन चलाते हैं? व्यवस्थित से। तो मैं उसको चलाने वाला है और पूरी दुनिया को भी कोई व्यक्ति चलाती नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपना जीवन चलाते हैं, नहीं है, वो कुदरत चलाती है। तो ज्ञान और दर्शन आओ, समझ में आया? ज्ञान और दर्शन आओ, ये अनादि काल का था, एक अवतार का नहीं, समझ में आया? तो ज्ञानी पुरुष ने उसको सही ज्ञान और सही दर्शन दिया, यानी मिटाने की प्रक्रिया में बिठाया, मिट गया नहीं। मेरा अज्ञान और कोई मिटा नहीं सकते हैं, मगर आपको बीज ज्ञान दे सकते हैं। क्या सकते हैं? बीज ज्ञान दे सकते हैं। अगर मेरा अज्ञान और मेरा मिथ्या दर्शन अगर मिट गया है तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? फिर पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? मगर मिटा नहीं है, प्रोसेस। आपको प्रोसेस में बिठा दिया। प्रोसेस क्या बताया? प्रोसेस में बिठा दिया। आपको सही रास्ता दिखा दिया, अभी आपको चलना तो पड़ेगा ही। आपको रास्ता मिलने से आप कहेंगे कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, वो सही नहीं है। रास्ता अलग चीज है और पहुंचना अलग चीज है। जहां तक रास्ता बताया हुआ है जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकते। उसमें बताने वाले की गलती नहीं। हमने जो फॉलो नहीं किया है तो मिस्टेक हमारी है। हमको पहले भी कृष्ण भगवान मिले थे, राम मिले थे, महावीर मिले थे और उन्होंने ज्ञान ही दिया था, तो हम उस समय भी उनके ज्ञान को न समझ सके और न उसका अनुसरण कर सके। तो फिर गलती तो उनकी है। जब ज्ञानी पुरुष होते हैं तो फिर वो वही ज्ञान देते हैं। ज्ञान नया नहीं होता है कोई काल में। क्या होता है? ज्ञान एक ही है और वो ज्ञान विज्ञान स्वरूप है। क्या है? विज्ञान स्वरूप। वो थियरी स्वरूप नहीं है। थियरी स्वरूप जो है वो सब शास्त्र है। क्या है? शास्त्र। शास्त्र वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर समझते हैं? नापने का साधन। आपका लेवल कहाँ है वो नापने का साधन किताब है। आप समझे? मगर कैसे चलना है वो ज्ञानी पुरुष का ज्ञान छोड़ है। वो ज्ञान विज्ञान स्वरूप होता है, थियरी स्वरूप नहीं है। कौन स्वरूप नहीं है? थियरी का मतलब होता है, थियरी इज कनेक्टेड विद डूअरशिप एंड साइंस इज कनेक्टेड विद द विजन। और साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है। थियरी में डूअरशिप होती है श्रद्धा से, उसमें करना न करना होता है, उससे पाप पुण्य का बंध होता है। क्या होता है? पाप पुण्य का बंध। यहाँ पाप पुण्य नहीं है साइंस में। साइंस में सेपरेशन होता है। वंस यू फॉलो द साइंस थ्रू योर विजन तो आपको मालूम होता है कि रिलेटिव सत्य क्या है और सनातन सत्य क्या है, बस। उसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। मगर अज्ञान का से हम रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानते हैं। बस वहां से अज्ञान शुरू हो गया, उनका रोल शुरू हो गया और वहां से राज्य शुरू हुआ और वहां से संसार शुरू हो गया। संसार क्रियाओं से नहीं बना है, संसार भाषाओं से नहीं बना है, संसार विचारों से नहीं बना है, संसार अज्ञानता से बना है। और अज्ञानता से ही हम कर्म चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? कर्म चार्ज अपनी भावनाओं से, अपने इंटेंशन से। वी क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। आप समझे? तो कॉज जहाँ है वहाँ लाइफ है, इफेक्ट है वहाँ लाइफ। वो प्री डिसाइडेड है। क्या है? तो एक नक्शा हम ये बोल सकते हैं कि ज्ञान आवरण जो है मैं कौन हूँ वो हुआ और दर्शन हुआ कि भाई ये शरीर को और ये संसार को चलाने वाला कौन है, बस वही और कुछ है ही नहीं। और इसके बाद में जो मोहनीय आवरण है वो क्या है? अज्ञानता है। ये संसार चलाने वाला कौन है वो नहीं जानते हैं। वो अज्ञानता है, उससे मोह शुरू होता है। सुख यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वो मोहनीय है। जब ज्ञान होता है तो मालूम होता है कि सुख तो मेरे स्वभाव है,
वो पानी की चीज नहीं है, मगर अज्ञान का के वश हम उसको पानी की चीज समझते हैं इंद्रिय ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? मन वचन का, ये इंद्रिय फाइव सेंसेस, इससे जो कुछ देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, इससे अज्ञानता से फिर मोह होता है, पाने का मन होता है, बस वही अज्ञानता फिर काम करती है कर्म चार्ज करने में। आज छोटा मकान है मेरे को बड़ा मकान चाहिए, आज साइकिल है मेरे को कार चाहिए, आज मैं दिखा रही हूँ मेरे को बहुत पढ़ाई चाहिए, आप समझे, पैसा कम है मेरे को बहुत पैसा चाहिए। तो ये सब सुख प्राप्त करने की भावना से होता है, और सुख प्राप्त करने की भावना के पीछे अज्ञानता है। हालांकि सुख तो हमारा स्वभाव है, वो पाना नहीं है, वो अनुभव करना है, उसके लिए दृष्टि चाहिए, उसके लिए पाप पुण्य नहीं चाहिए, अनुभव हमको खुद ही करना है, और कौन करेगा? ज्ञानी पुरुष दृष्टि दे सकते हैं, अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा। अगर ज्ञानी पुरुष ही अनुभव करवा देते हैं तो पुरुषार्थ शब्द की जरूरत ही नहीं है, अगर वो अनुभव करवा ही देते हैं तो पुरुषार्थ की जरूरत क्या है, वो अनुभव नहीं करवा सकते, वो अपना अनुभव आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कि आप भी उसी रास्ते से अनुभव कर सकते हैं, एंड आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को सही बात बता सकते हैं। जब मैं खुद अनुभव में नहीं हूँ और आपको बताऊंगा उसमें सच्चाई कहाँ से आएगी, जब मेरे खुद को अनुभव नहीं है मैं आपको कैसे सही रास्ता बता सकता हूँ, आप समझे, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि जो शास्त्रों में लिखा है या तो मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर मेरे खुद को अनुभव है नहीं, तो मेरे को अनुभव नहीं है तो मेरी बातों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आएगा मैं यही कहूंगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, क्या बोलूंगा, जैसे किताब पढ़ाते हैं वैसे, बट द पर्सन दे रियलाइज द सोल साइंस एंड ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, दे वंस दे रियलाइज इट देन दे शेयर हिज एक्सपीरियंस टू द पीपल ऑफ यूनिवर्स, वो साइंस है। आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है और दुनिया है, यही साइंस से चलती है। साइंस के अंदर देयर आर सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स, कितने हैं? छह तत्व, उसमें एक चेतन है, बाकी सब जड़ है, और चेतन और जड़ उसमें जो उद्गल तत्व है क्या है? उद्गल तत्व, ये दोनों का अज्ञानता से मिलना उससे कर्म और कर्म बनने के बाद उसको भुगतान के लिए गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस और समय, ये उसको हेल्प करता है एज पर योर सफरिंग, आप समझे, एज पर योर, ये सब पूरा साइंस, द होल इज द होल, सी द होल वर्ल्ड इज द साइंस, वंस यू नो द साइंस ऑफ द यूनिवर्स तो दुनिया में कुछ पाना है, कुछ खोना है, साइंस में कुछ नहीं पाना है, ना कुछ खोना है, जैसी दुनिया चलती है वैसा ही समझना है, अनुभव करना है, तो उसमें पाना खोना होता नहीं है। साइंस अचीवमेंट के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए, और अनुभव ही कैपिटल है। क्या है? कोई चीज प्राप्त करना वो कैपिटल नहीं है, कोई चीज को छोड़ना वो कैपिटल नहीं है, रियलाइज करना वो कैपिटल, जो जो राम कई कई की वजह से जिसको जंगल में जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, वो राम ने कई कई को उसी समय भी निर्दोष देखा है, और वही कई कई को आज भी हम दोषी देखते हैं, दोनों में फर्क क्या है? दृष्टि का, साइंस इज अ विजन, क्या है? एक्शन नहीं है, एक्शन इज ऑलवेज मैकेनिकल, क्या बताया, एक्शन इज ऑलवेज, ये हम बोलते हैं, विचार आते हैं, ये एक्शन करते हैं, एवरीथिंग इज मैकेनिकल, और मैकेनिकल को ही जला दिया जाता है, चेतन को जला दिया, जला ही नहीं सकते, अब जड़ को ही जला दिया जा सकता है, चेतन को
मगर जहाँ तक ये जड़ के अंदर चेतन है, क्या बताया, वहां तक इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव। जहां तक जड़ के अंदर चेतन है वहां तक कोई ऐसा करेंगे ना तो भी दर्द होगा, द्वेष होगा। जैसे चेतन निकल गया इसको जला दिया जाएगा, नो कमने, पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि जलाया किसको, चेतन तुमने। मिश्र चेतन कहाँ है? मिश्र चेतन कहाँ है? क्रिएशन में। किसमें? जो नई स्क्रिप्ट लिखते हैं ना वो मिश्र चेतन, ये मैकेनिकल चेतन, नई स्क्रिप्ट लिखने वाला भाव सत्ता वाला वो मिश्र चेतन है, और परमात्मा है वो शुद्ध चेतन। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन है वो प्योर है, उसको कुछ करना नहीं है और जरूरत भी, और जो मैकेनिकल चेतन है वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल चेतन है वो कर्मों की भुगतान का साधन बना है। उनका एक ही रोल है, सिर्फ भुगतान करना, वो कर्मचार नहीं कर सकता। तो जो मिश्र चेतन है आत्मा और प्रकृति के बीच में, यानी चेतन और जड़ के बीच में जो है वो नया क्रिएशन करता है, उसको हम बाबा भी बोलते हैं। बाबा कहे, भाव भाव सत्ता कहे, भाव मन कहे, तो जो प्रतिष्ठित आत्मा कहे, सब एक ही है। मिश्र चेतन जो है भाई अंतरात्म दशा कहे, वो सब एक ही है। मिश्र चेतन बाह्य चेतन, और कभी अंदर चेतन जाता है कभी बाहर जाता है। चेतन अंदर बाहर नहीं जाता है, मिश्र चेतन की जो दृष्टि है वो अंदर बाहर जाती है। दृष्टि कभी प्रकृति के ऊपर जाएगी, कभी परमात्मा के ऊपर जाएगी। देखने वाला एक ही है मिश्र चेतन, प्रकृति की ओर झुक जाता है, कभी परमात्मा की ओर। मिश्र चेतन जो है जो सिर्फ हमारे समझने के हिसाब से है, नहीं एक्चुअल में उनका अस्तित्व परमानेंट नहीं है, मगर टेम्पररी है। जहां तक अज्ञान है वहां तक उनका अस्तित्व है, जब केवल ज्ञान हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत भी केवल ज्ञान तक है। वहां तक तो रहेगा, उनका रोल ही है तो, मगर वास्तव में उसका अस्तित्व तो वो भी शरीर के साथ चला जाता है, जड़ के साथ चला जाता है, खत्म हो जाता है ना। क्या जो मिश्र चेतन है वो धीरे धीरे पूर्ण चेतन में बदल जाता है और वो केवल ज्ञान की ओर निकल जाता है। तो नॉर्मल बात करते हैं, हर व्यक्ति जब मर जाती है तो मिश्र चेतन कहाँ जाता है, वो प्रश्न करते हैं, वो नॉर्मल प्रश्न करते हैं, नॉट कनेक्टेड विद केवल ज्ञान। वो कहते हैं हर व्यक्ति मर जाती है तो जड़ जला दिया जाता है, चेतन जाता है, तो मिश्र चेतन क्या है? मिश्र चेतन के आधार से तो भर्त है, मिश्र चेतन नहीं तो भर्त कैसे होगा? उनके पास चॉइस नहीं है, जैसा कर्म है वैसे उसकी गति है, तो उस गति में उसको भी जाना, उनके पास चॉइस नहीं है। भाव कर्म जैसे जैसे बनते हैं उनसे कॉजल बॉडी बनती है। क्या बनती है? कॉजल बॉडी। ये कॉजल बॉडी के आधार से आपको इफेक्ट बॉडी मिलती है। तो जो कॉजल बॉडी है वो मिश्र चेतन है, इसको बाबा कहो जो भी कहो, उसको कॉजल बॉडी भी कहो, मिश्र चेतन भी कहो, जो भी कहो, इसके आधार से हमको इफेक्ट बॉडी मिलती है। अगर वो नहीं है तो इफेक्ट बॉडी कैसे मिलेगी? रूट वहां है, ये तो रिजल्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, साइकिल ऑफ रिवर्स। नहीं नहीं समझ आया? बिल्कुल। तो ये वेरी वेरी सिंपल साइंस है। साइंस में कुछ करने का नहीं है, थियरी में सब कुछ करना है। तो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर एक्सपीरियंस है। प्रतिष्ठित आत्मा का वास्तव में परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बताया? परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं, उसका अनुभव है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म पे, वास्तव में नहीं है।
जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक उसका अनुभव है। क्या बताया? जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक अनुभव। जैसे जैसे अज्ञान, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जब उसका एग्जिस्टेंस हो जाए तो एक्सपीरियंस होता है उसका एग्जाम्पल। जैसे अभी 11-12 बजा है, अभी मैं आप कहूँगा कि ये लाइट कहाँ से आती है, आप क्या कहोगे? सूर्य से। और रात को 12 बजे कहूँगा कि अंधेरा कहाँ से आता है, तो सूरज नहीं है सर। नहीं, कहाँ से आता है, फ्रॉम, आपने जो उत्तर दिया ना फ्रॉम, वो सेम क्वेश्चन करता हूँ मैं। प्रकाश कहाँ से आया, सेम, अंधेरा कहाँ से आया, सेम क्वेश्चन। यू रिप्लाई मी, अंधेरा यहाँ से आया, उजाला यहाँ से आया। Absence of light is in अंधेरा तो था ही ना, तो प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं इसलिए अंधेरा तो भाई अंधेरा तो था। तो जो प्रकाश एग्जिस्टेंस नहीं है अंधेरा, अभी आप समझ गए मगर फील करते हैं अंधेरा वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है मगर अनुभव है। ऐसे ऐसे अज्ञानता से जो भाव सत्ता बनती है वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है मगर अनुभव है। ये इतना बड़ा साइंस है, वंस यू नो द साइंस ये दुनिया आपको लगेगी कि नथिंग है। क्या है तो बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये दुनिया की कोई किताब में नहीं है एग्जांपल। क्या बताया, जितने भी एग्जांपल है हमारा कोई किताब में, वो किताबों में नहीं होगा। आप समझे, ओन एक्सपीरियंस। क्या बताया, अंधेरा कहाँ से आया कोई नहीं बता सकता, एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती, मगर अनुभव है ना। बोला रात को बाहर निकलेंगे दिखता नहीं है कुछ, अंधेरा है, अनुभव तो होता है मगर एग्जिस्टेंस ही है। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि ये पुद्गल है, क्या बोलेंगे, आपने शायद सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा कि ये पुद्गल है, ये पुद्गल नहीं है, ये शरीर पुद्गल नहीं है। शरीर सभी के शरीर, जो सभी का जो शरीर है वो एक ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, समझे, सभी का शरीर। तो ये पुद्गल नहीं है, जब कर्मचार्य होते तब उसको पुद्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुद्गल। और पुद्गल का स्वभाव जो पूर्ण किया वो क्या होगा, गलन होता है। तो गलन करने का ये माध्यम है मगर ये पुद्गल नहीं, ये शरीर है, इसके थ्रू पुद्गल गलन होते हैं, गलन होते हैं मगर ये पुद्गल नहीं है। ये मीडिया है तो इसके थ्रू मीडिया होंगे, चार्ज हुआ है, अंदर चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज तो होगा ही ना, तो मीडिया चाहिए ना, इसके थ्रू सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये कहीं सारी बेसिक जो इग्नोरेंस है इससे ये साइंस समझ में नहीं आता है। बेसिक जो अज्ञात है फंडामेंटल, वो जहां तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा वहां तक ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में नहीं आएगा। और वहां तक ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, ऐसा ही रहता रहेगा आपके मन में। आप समझे, डुअलशिप रहेगी, समझे, मगर जब साइंस समझोगे तो मालूम होगा कि कर्ता पद ही भ्रांति पद है और भोक्ता पद ही भ्रांति। अक्रम विज्ञान में डुअलशिप कहां है साहब? अक्रम विज्ञान में सारा कर्मिक माल से गए थे जितने भी जो हुए, वो सिर्फ अक्रम में नहीं है, हमारी समझ में है, गलती उसमें नहीं है, हमारे में है। अब जैसे कोई डर, जैसे कोई डर का सीन आता है तो डर वाले खुद पे चार्ज हो गए तो बॉडी से वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो बस सही बात है, आपका पसीना भी आ जाएगा, आपको डर लगेगा, कांपने सब कुछ, सब कुछ जो चार्ज होने वाला सब बॉडी से डिस्चार्ज हो गया, कोई पेट खराब, वो परमाणु से चार्ज हुआ है, परमाणु से चार्ज, और यही बॉडी से वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा थ्रू सर्कमस्टेंसेस, बिना संजोग तो नहीं होगा डिस्चार्ज, बिल्कुल नहीं। दैट्स इट, तो नेचर विल गिव यू द सर्कमस्टेंसेस एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज, आपके पिछले बर्थों का अवतार के कर्मों के मुताबिक इसके सफरिंग के लिए नेचर क्या कहती है, दीदी आपको सरकम कर सकती है, तो भुगतान कैसे होगी, पाप और पुण्य की भुगतान बिना सरकम कर तो नहीं हो सकती है। संजोग चाहिए ना, कोई भी भुगतान के लिए सफरिंग के लिए, हाँ, वो नेचर देते हैं ये, और सब ये पूरी सिस्टम जो है वो ऑटो मोड है, क्या है, नो मिस्टेक एट ऑल। लेकिन चार्जिंग के वक्त की तो सरकम चाहिए ना, नॉट रिक्वायर, चार्जिंग के लिए आप सर्कमस्टेंसेस बोलोगे
मतलब ये प्रूव करोगे आप कि एक ही प्रकार का सर्कमस्टांसेस है सब एक ही प्रकार का चार्ज करेंगे, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। ये तो आपके अपने मेंबर सेम थिंग, एक ही प्लेस में एक ही प्रकार का सफरिंग होगा, वो भी नहीं होगा, सेम थिंग। तो सर्कमस्टांसेस आर रिस्पॉन्सिबल इन सम केसेस एज पर योर इग्नोरेंसी और एज पर योर डेवलपमेंट, बट नॉट डायरेक्टली। क्योंकि जो भी लोग संसार से मुक्ति पाते हैं उनको सर्कमस्टांसेस है लाइफ में, ये भी क्रिएशन नहीं होता है, बिकॉज़ नो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। सबकी जड़ क्या है? वेदांत में लिखा है मल विक्षेप और अज्ञान, और जैनिज्म में लिखा है राग द्वेष और अज्ञान। दोनों में अज्ञान क्या है? कॉमन। तो सबकी जड़ क्या है? स्वामी जी, 7 अरब की सृष्टि है और सब क्रमिक में है, अक्रम ज्ञान में तो कोई 1-2 लाख ही होंगे। हाँ बोलिए। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है और कितने बड़े, इसको आप थोड़ा सा अंतर समझाइए, इसमें थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। वो तो ऐसा है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी दुनिया है जी, 6 कॉन्टिनेंटल, क्या बताए, 6 कॉन्टिनेंटल, तो इतने सारे कॉन्टिनेंट में कोहिनूर कितने होते हैं? कोहिनूर तो कोई होता है बहुत थोड़े होते हैं, छोटे मोटे भी बहुत थोड़े होते हैं जिसकी वैल्यू बनाई जाती है, बाकी सब नॉर्मल डायमंड तो होते हैं, थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, मगर जो कोहिनूर होता है वो तो बहुत शुल्क होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते इतने होते हैं। ऐसे ही आध्यात्म विज्ञान का मार्ग या मुक्ति का मार्ग तो सबके लिए नहीं होता। ये दादा ने बड़ा अजूबा करिश्मा पैदा किया है, बहुत बड़ा ये उनकी, ये उनका जो अनुभव प्रमाण है तभी ये विज्ञान प्राप्त हुआ, ये किताबों का प्रमाण नहीं है, अनुभव प्रमाण। कितने जन्मों की शोध होगी? कितने, उन्होंने कहा ऋषभदेव भगवान के समय में था, उस समय भी मैं साधु था, दादा भगवान की बात करते, उस समय भी सबको भगवान ज्ञान दीक्षा देते थे, मगर जो भरत चक्रवर्ती थे उनको संसारी अवस्था में ज्ञान दिया और उसी अवस्था में उसको केवल ज्ञान दिया। तो उस समय दादा भगवान जो भी फॉर्म में थे उन्होंने सोचा कि हमारे लिए इतनी सारी तपस्या और क्या, उनके लिए प्राच पाठ वैभव वही, तो फिर भी मोक्ष, तो हमको तो इसका रहस्य चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए हमको, ये रहस्य चाहिए कि संसार में रह के भी राज पाट संपत्ति साहिबी के भुगतान के बीच भी हम कैसे मुक्त रह सके, ऐसा ज्ञान चाहिए। निश्चय किया था वो सब उनकी भाषा में बोलता हूँ, मेरी भाषा नहीं, मैं उनकी भाषा को रिपीट करता हूँ। तो फिर इतने सारे अवतार होते हैं उनके हिसाब से उनको ये, हाँ, और कहा अभी ये अवतार में ये हमारे जो संशोधन था वो खत्म हो गया, अभी समझ में आ गया कि व्यवस्थित क्या है, दुनिया जो है ब्रह्मांड व्यवस्थित है, तो व्यवस्थित के अंदर जो डुअलशिप है वो अज्ञान है, होता है वो अज्ञान नहीं है, वो तो रिजल्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, उसमें मैंने किया मेरा है बस, टाइटल ऑफ डूअरशिप एंड टाइटल ऑफ ओनरशिप ये दोनों अज्ञान है, एक्शन वो अज्ञान नहीं है, सुखी चरना नहीं है, वो मैकेनिकल है, कॉज का इफेक्ट है, समझ में आया, बहुत ही बहुत बड़ा जितना समझ में आएगा आपका काम निकल गया। इसमें चरित्र ये सब अज्ञान है, वहां तो चरित्र मूल्य है, ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग अज्ञान है, वो चरित्र मोह नहीं है, मोह का मतलब अज्ञान है। स्वामी जी, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्रिएट होते हैं क्या वो डिस्चार्ज के लिए होते हैं, फिर चार्ज में भी काम आते हैं? आएंगे, आपकी अज्ञानता है तो चार्ज में भी काम आते हैं, अज्ञानता की वजह से, एक्शन की वजह से नहीं, जैसे एक चोर है वो चोरी करते हैं भले उनके पास आत्मज्ञान नहीं है, मगर कुछ धार्मिक ज्ञान भी हो गए तो वो चोरी न करने के भाव कर सकते हैं, चोरी करते हुए भी
एक्शन नहीं बदल सकते, भाव तो बदल सकते हैं, दृश्य नहीं बदल सकते, वही हमारे हाथ की सत्ता है, दृश्य नहीं बदल सकते, दृष्टि तो बदल सकते हैं। और चोरी ना करने की, ना करने वाले व्यक्ति चोरी करने के भी भाव कर सकते हैं, दोनों वहां सिग्नेचर भी, और चोरी करने वाला फिर से चोरी करने का भाव भी कर सकते हैं, डिपेंड। मगर सबके पीछे अज्ञान का है, एक्शन नहीं है। क्या होता है? स्थूल में ऐसा लगता है कि एक्शन के साथ उनका कर्मचारी जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत एक ही है, जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्मचार होंगे ही, चाहे गुण और बैड, चाहे पाप और पुण्य। जब ज्ञान होगा, ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भी आत्मा का ज्ञान खुला हो गया वो ज्ञान, ज्ञान वो नहीं। ज्ञान का मतलब होता है, फर्स्ट ज्ञान है वो दर्शन के रूप में है, दर्शन का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर उसका ज्ञान हो गया वो सबसे पहले तो बीज नहीं पड़ेगा, वो पहले है, सम्यक दर्शन पहले है। केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, वो तो है, बनाना नहीं है, नॉट टू क्रिएट इट। उनका एग्जिस्टेंस परमानेंट है, मगर ये अज्ञानता से जो आवरण बने हैं उससे उसका अनुभव नहीं होता है। तो आत्मा या आत्मा की शक्ति को या आत्मा के प्रकाश को बनाना नहीं है, है। मगर उनके पीछे जो अज्ञान की शक्ति थी, जिन्होंने ज्ञान के रूप में हमने स्वीकार किया था, किसके फॉर्म में? ज्ञान के फॉर्म में। और अज्ञानता से मिला हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, वो हमने सुख का साधन मान के स्वीकार किया था। बस ये दोनों हमारी अज्ञानता, उसी से जन्म मरण का चक्कर चलता रहा। अभी समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जो सुख पाना चाहता हूँ वो तो मेरा स्वभाव है, क्या स्वभाव है, उसको पाने के लिए पाप और पुण्य की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। चेंज योर विजन, आपकी दृष्टि बदल गई, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। दृष्टि बदलना है, दृश्य को तो नहीं बदल सकते, वो परिणाम है। या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस महाभारत में भी क्रिएट हुए, लड़ाई के रामायण में भी हुए, रामायण में भी हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके भाव बदल दिए, दृष्टि बदल दी, दृष्टि बदल दी, तो भाव बदल गए ना, दृष्टि, तो उसकी वजह से उसको कोई कर्म का बंधन नहीं हुआ, तो चार्जिंग हुई नहीं, सिर्फ डिस्चार्ज भाव में पूरी लड़ाई निकल गई, इसलिए वो मोक्ष में गए। मतलब मेरी अपनी बात में मैं ऐसे समाधान करता हूँ, क्योंकि को चाहिए चार्जिंग में नहीं हुए, क्योंकि भाव बदल चुके थे, इसलिए वही कर्म आप एक अज्ञानी व्यक्ति करे तो उसको कर्म चार्ज हो गए, एक ज्ञानी व्यक्ति करे उसी चीज को, बिल्कुल वही चीज है, तो उसको कोई बंधन नहीं, कर्म बंद नहीं, कर्म बंद नहीं। सही बात है, एक्शन। इसीलिए कहा ना कि ये ज्ञान और अज्ञान का अंतर है, ये एक्शन का अंतर नहीं है। आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंस नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला राम और अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए, और हम चींटी बचाते यहाँ बोलते हैं, अज्ञान का है या एक्शन की बात नहीं है? क्या बात नहीं है? एक्शन अलग चीज है। जिस स्थिति में हम लोग हैं, जैसे हमने ज्ञान पाया है, तो उसके बाद में हमारे कर्म चार्ज नहीं होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि हमारी चार्जिंग पूरी बंद हो गई, चार्ज पूरी बंद हो गई, ऐसा हम मानोगे इज इक्वल टू, तो फिर रिवर्स होगा ही नहीं। दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन। ये तो भाई सबको समझना है, वही तो ये जरा समझा, ज्ञानी की बात सभी को समझ में, स्थूल शब्दों की बात नहीं, सबके दिमाग में है, पर वो अभी हमारा कर्म चार्ज होना बंद हो गया, अभी हमारा जितना एग्जिस्टिंग में है वो सब खत्म हो जाएगा, तो हम वो चार्ज में आ जाएंगे। मैंने आगे भी पहले भी कहा है, कर्म चार्ज नहीं होता है, ऐसा नहीं, कर्म चार्ज होता है, सबको होता है, ज्ञानी को खुद को भी होता है,
कृष्ण भगवान को भी कर्म चार्ट होते थे, उस अवतार में भी एनिवे सिद्धांत को पकड़े कि कर्म बंद होने का मतलब क्या है, और कर्म आज भी चार्ट होती है ज्ञान के बाद उसका मीनिंग क्या है, वो मैं आपको साइंटिफिक वे से बताऊँ। हमारे महात्मा ने जो ज्ञान लिया उसके बाद उसके कर्म चार्ज होना बंद हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि अज्ञानता के वश हम ये इंद्रियों के माध्यम से जिनमें जिन चीज़ों के अंदर, जिन संबंधों के अंदर, जिन साधनों के अंदर, जिन संपत्ति के अंदर से हमारी जो सुख प्राप्त करने की जो दृष्टि थी, दृष्टि उसके मुताबिक हम भाव करते थे, तो अभी हमको मालूम हुआ कि जो प्राप्त करने वाला शरीर था वो भी मैं नहीं हूँ, और प्राप्त करने वाला शरीर जो है जो अनुभव करता था वो भी मैं नहीं हूँ, मैं तो उनसे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ और सुख वो मेरा स्वभाव है। तो पाने का सवाल, तो इस अज्ञानता से बना हुआ जो कर्म था वो अभी बंद हो गया है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त। मगर अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है, मगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान का मतलब होता है दृष्टि। क्या बताया? फिर अनुभव करना है जी, वो दृष्टि को उपयोग करते इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ वी यूज द सेम विजन, फिर भी हम आज भाव करते हैं, कौन से भाव करते हैं, जिसको कहते हैं मोक्ष मार्ग के लिए नायक और सहायक, जैसे महाविद्या क्षेत्र जाना वो भी भाव है, नव कलम की वो भी भावना है, ज्ञानी पुरुष आज्ञा का पालन वो भी भाव है, उससे भी पुण्य चार्ज होंगे, पुण्यानुपति पुण्य चार्ज होंगे, ये सब आपके बारे में भी लिखा है, मगर मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है। क्या हो गया? गलत हो गया। ज्ञानी पुरुष के गलती नहीं है, उनका विजन करेक्ट है, मगर उनका विजन जो शब्दों में आया उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो गलत हो गया है, तो लोग गलत शब्द है, उनकी गलती नहीं। नहीं, सभी की मान्यता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कि नए कर्म बंधन चार्ज नहीं होते हैं, वही कहते हैं ना, मगर आप किसको कहेंगे कि आप कहते हैं मैक्सिमम 15 को होंगे तो कैसे होंगे? लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन अगर आप कर्ता भाव में रहेंगे तो अभी तक आपको ज्ञान पक्का नहीं हुआ है, चला नहीं गया, तो आप कोई भी काम जो है कर्ता भाव में आकर के करते हैं, मैंने किया कर्ता भाव में, तो चार्ज हो गया। जब वो चार्ज तब नहीं होता है कि जब आपको ये ज्ञान का उपयोग करते हैं, हाँ, ज्ञान का उपयोग करते हैं, पांच आज्ञा है, पांच आज्ञा में रहे, पांच आज्ञा भी मूल ज्ञान नहीं है। अच्छा, पांच आज्ञा का उपयोग करने से भी पुण्यानुबंधी पुण्य मिलेगा, अब तो वही लिखा है 9, 10, 11, 12 सब लिखा है, करने का क्या है? उसके आगे साइंस है, तो करने का क्या है? साइंस समझना वो लास्ट प्रायोरिटी है, जो साइंस नहीं समझ सके उसके लिए ये है आज्ञा धर्म, अंत में तो उससे भी ऊपर जाना है, उसने कहा कि आज्ञा धर्म से भी पुण्यानुबंधी पुण्य होगी, क्योंकि हमारी आज्ञा है, ज्ञानी उसकी आज्ञा है, आत्मा को आज्ञा नहीं है, मगर ये स्टेप है, स्टेप समझते हैं, मेरे को आगे जाना है तो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये गलत नहीं है, मगर स्टेप है, मगर वो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट साइंस है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को क्या हुआ 1958 में, क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ, आत्मा का हुआ नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का हुआ, किसका हुआ, यूनिवर्सल, ये दुनिया कैसे चलती है, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भक्ति और तेजी बंदी पाप पुण्य प्रारब्ध पुरुषार्थ बंधन मुक्ति, ये सब कुछ उसके विजन में खुला हो गया, जो कवर था वो जितने भी ज्ञानी हो गए उनको यही यूनिवर्सल ट्रूथ का रियलाइजेशन हुआ, एंड में ये स्टेप अल्टीमेट पे ये जरूरी है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, तभी आपको राग द्वेष नहीं होंगे, तभी आपको डुअरशिप ओनरशिप नहीं होगी, नहीं तो होगी,
नहीं तो शब्दों की भाषा से आपकी यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो प्रकट नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ समझोगे तभी उसका उपयोग होगा और तभी आप ओनरशिप और डूअरशिप से मुक्त रह सकते। उसके बाद आपको कोई अचीवमेंट नहीं है इस ब्रह्मांड में, कोई अचीवमेंट नहीं है। कोई कहे कि आपको देवलोक में जाना है, आपको जाना है तो रास्ता बताए, पर हम जरूर जाएंगे। मैं आत्मा बोलूँ या देवलोक में जाऊँ, वाय आप समझे, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि वो भी सफरिंग है। क्या है सफरिंग? तो कोई आनंद की बात नहीं हो स्वामी जी, कारण का पता चला तो निवारण अपने आप हो गया। कारण का पता चल जाता है तो निवारण अपने आप हो जाता है। इसीलिए जो कर्मों जो बनते हैं वो एक तो अज्ञानता से बनते हैं। क्या बताया? और अज्ञानता के अंदर भी भाव जरूरी है। क्या बताया? कुछ नहीं चाहिए, भाव तो चाहिए ना। घर में चार्ज करने के लिए भाव चाहिए और महात्माओं को भी भाव चाहिए। क्या चाहिए? आज्ञा का पालन करना है, आगे बढ़ना है, नव कर्म वो भी भावना है। आगे ज्ञानी पुरुष मिले या तीर्थंकर मिले या महादेव क्षेत्र मिले वो भी भावना है, या हमारे कुछ प्रक्रिया कमजोरियां हैं तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए वो भी एक क्या है? भावना। तो भावना है वो चार्ज है। क्या है? चार्ज। और एक्शन है वो स्वामी जी भाव और भावना, ये इसका थोड़ा डिफरेंस है। भावना परिणाम है, भाव चार्ज है। क्या है? भाव का परिणाम। भावना परिणाम है और भाव जो है कहाँ जाए चार्ज है। स्वामी जी भावना का मतलब होता है आप एक्शन के फॉर्म में बात करते हैं। किसके फॉर्म में? ये मेरी भावना है कि मेरे को दान देना है, ये करना है, वो करना है, वो चाहे हो या ना हो मगर वो डिस्चार्ज है। क्या है? अच्छा ये सब डिस्चार्ज। भाव का मतलब होता है क्रिएशन। इनका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ये बीज रूप। बीज रूप भावना वो फल रूप है। जितने भी भाव करेंगे तो व्यक्ति को गरीब गरीब व्यक्ति को देंगे तो भाव करेंगे उसको भी हेल्प मिले या हेल्प ले करूंगा। ये डिस्चार्ज है। क्या है? भावना डिस्चार्ज है और भाव है वो क्या है? काज चार्ज। स्वामी जी दादा ने ज्ञानी पुरुष ने ये ज्ञान दिया है तो कौन सी मुक्ति दिया? कौन सी मतलब कौन सा मुक्ति दिया हमें? कौन सा मुक्ति दी? हाँ आपने शादी कर लिया, कौन सा सुख मिल दिया? मिल गया शादी का जो हमने जो सोचा था हमने वो सुख मिल गया। इसीलिए शादी करने के बाद सब सुखी होते हैं। फिर अपने अपने हिसाब से सब लोग शादी करते हैं सुख पाने के लिए, बाद में अपने अपने हिसाब से ऐसा कैसा? कोई ऐसा सोचते है कि मैं दुखी होने के लिए शादी करता हूँ ऐसा बोलेंगे? उत्तर देते हैं आपने शादी क्यों नहीं की? ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारी चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, दिस इज नॉट चॉइस। जैसे आपने शादी किया वो भी करना, आपने भाव किया होगा उसका भावना। कर्मों का फल है, शादी नहीं किया वो चॉइस नहीं है हमारी। भाव तो आप जैसे ही थे इसलिए भावना ये जैसा कर्म वैसा फल। तो शादी ना करना उसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा प्रगतिशील है और आपने कर दिया तो आप प्रगतिशील कम है, ऐसा नहीं है। वो कर्म फल है, ज्ञान होना चाहिए। क्या बताया? शादी करो ना करो ज्ञान होना चाहिए। जितने भी तीर्थंकर हो गए, जितने भी समर्थ पुरुष हो गए, तैसा सना का पुरुष, वो सबने शादी किया था अपवाद को छोड़ के। तो ये कोई शादी करना ना करना वो बड़ी बात नहीं है, ये कर्मों का खेल है। मगर विज्ञान को समझना, विज्ञान को रियलाइज करना, विज्ञान को यूटिलाइज करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, ये मिशन होना। स्वामी जी एक प्रश्न खड़ा हो गया, बोलिए। मेरी समझ में जो आया ज्ञान देने के बाद, जी जी जी, मेरी समझ में यह आया है कि एक संसारी परमाणु रिचार्ज होता है, एक ऊर्ध्वगामी परमाणु होता है। घड़ी देखना सवा घंटा है तो पता नहीं, घड़ी मत देखो सर। मैंने कहा एक लिमिटेशन, दूसरा क्लास है।
पर तुम सब ये आवाम की एक ही भाव है कि ये चलने दो। नहीं मैंने नहीं करता हूँ। जो पांच आज्ञाओं का पालन के मोक्ष में जाने के ये जो भाव कर रहे हैं तो हमारा क्या इसका परिणाम मोक्ष का नहीं आएगा क्या? जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो पहले फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो सीढ़ी होती है ना उसका फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पर गए उसका मतलब फर्स्ट फ्लोर छूट गए, क्या हो गया? छूट गया। मगर फर्स्ट फ्लोर नहीं आया, उसके बाद सेकंड स्टेप पे गए तो प्रगति किया। वहाँ फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है और ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है जी। तो पांच ये रास्ता है आगे बढ़ने का, आज्ञा धर्म वो भी स्टेप है। आप समझे? तो हम साइंस अल्टीमेट है तो हम जो है ऐसा क्या ज्ञानी को मिलना वो भी स्टेप, आज्ञा को मिलना वो भी स्टेप, आज्ञा का पालन करना वो भी, लास्ट में साइंस समझ में आ गया अथवा विज्ञान गलत है। हमारे लिए बेस्ट क्या प्रोसेस है बताइए। देखो वो मोक्ष में जाने ये अभी कंफ्यूजन दूर कर दूं बाद में। देखो जहाँ तक साइंस में समझ में नहीं आए वहाँ तक आज्ञा धर्म का पालन करना वो आपके लिए हितकारी है, उससे आगे बढ़ोगे। आप चमक लगाओगे ऐसा चमत्कार है, आध्यात्म चमत्कार का स्थान नहीं है। विज्ञान को समझने का प्रयास करो और आज्ञा को फॉलो करने का प्रयास। उसको पकड़ नहीं सकोगे, उसको छोड़ दोगे फिर पजल में। दादा भगवान खुद साइंस देना चाहते थे मगर बिकॉज दे नो कि ये लोग जो मेरे सामने आते हैं वो नहीं समझ पाते, फिर बाद में ये सब रिचुअल्स दिया, पांच आज्ञा दिया, ये सब विधि दिया, ये सब लोकल में दिया, सब नमस्कार विधि जितना करते हैं उसको आगे आगे बढ़ने